किसान भाइयों, मैं आज जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ पे ट्रांसविधि कोई नहीं जानता। ये सब 26-28 पर ही गन्ना बोया हुआ है। ये देखो पेड़ी की मेड़ लग गई, दो दो मेटे बांध दिए गए और ये 26 इंच पर है बोया हुआ। इधर भी यही है, 26 और 28 दो ही है। ये हमारे जाते हैं दोराला क्षेत्र में 26 और 28 को ही ज़्यादा लाइक करते हैं। एक दो किसानों ने ट्रेंच विधि का बोया, बो के छोड़ दिया, क्योंकि उनसे मैं जैसे बात ही उन्होंने बताया साधन नहीं थे, दिक्कतें आई बहुत। अब ये पौधा भी 28 इंच पर बोया हुआ है, अच्छा खड़ा है। ये पेड़ी 26 इंच पर है। ये भी 28 इंच पर है भाइयों। ये पोगो की पेड़ी है, पोगा छोटा था। ये हमारे गांव के हरिजन हैं और इन पे अपनी दादा लाई जमीन है। अब तो खैर न्यारे होकर कई परिवार में बट गए। पहले इन 50-60 बीघे जमीन थी और ये तो कोई भी बिरादरी हो, जमीन तो सबकी घटती जा रही है। लेकिन ये इतनी मेहनत करते हैं, देखो एक तो इन्होंने ये अंडरग्राउंड लाइन दबा दी और गन्ना बहुत बढ़िया खड़ा है इनका। ये हेलो हाजी, आ अभी वो किसान है सामने, मैं लड़के को बुला रहा हूँ। तो भाई इनका ये चक है बहुत लंबा, सारे भाइयों का। वैसे अलग होगी, काम करते हैं रल मिल के, छोल जाएगी तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बाहर का छोला नहीं बुलाते, इसलिए इनके पोगे बढ़िया छूट जाते हैं और ये गन्ना इनका इसलिए बढ़िया खड़ा है। खुद बांधते हैं। राम राम, आ जा, पहले तो अपना परिचय दे। मेरा नाम अजय कुमार है। थोड़ी ऊंची आवाज़ में। मेरा नाम अजय कुमार है। अच्छा, और पवर से के रहने वाले हैं। अच्छा, और जी अपने खेतों में काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे ट्रेंच विधि के बारे में सुना तो होगा जी, तो बोते क्यों नहीं? उसमें कोई फ़ायदा नहीं देखा हमें। अच्छा, जैसा औरों का देखा। हाँ जी। तो ये कितनी इंच पे है तुम्हारा? ये हमारा वही है 31 इंच पे, 32 पे नहीं, ये 31 पे कहाँ, पिछले साल तो थोड़ा 26 था, 24 था शायद। तो आपके खूट चौड़े करे थे। अच्छा, बोर्ड में ये तो पेड़ी है ना, ये तो पेड़ी है, तो ये तो 26 पी होगी। ये तो 26 पी, 26 पे है। तो इसमें कितना औसत आ जाओ? इसमें बीघे में आ जाओ जी तुम्हारा, एक बीघे में 6 बुग्गी का। 6 बुग्गी कितने कुंटल की? वो ये 18-19 कुंटल की। अच्छा, मतलब 100-100 ऊपर आ जाओ थोड़ा। तो टोटल चक में आ जाओ एवरेज, या एक खेत में ही? नहीं, ये तो एक बीघे में ही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। नहीं, अगर सारे चक्के जो तो तुम गन्ना डालते हो उसकी सप्लाई जोड़ी जाए तो कितना, फिर तो घटता होगा जरूर? नहीं, पूरा सोखा निकलता है, सोखा निकल जाओ। तो इसका कारण क्या, इतना कैसे निकाल लो, थोड़ा बताओ किसान भाइयों को। किसान भाइयों, ये हमारी मेहनत समझ लो या कुछ भी समझ लो आप, तुम ये हमारी मेहनत समझ लो या कुछ भी समझ लो, और इनके खड़ी है इनकी देख लो और हमारी देख लो, इनकी आँखों में और हमारी आँखों में फ़र्क देख लो आप। हम सुबह 5 बजे खेत में आ जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, और आप घर को चल देते हैं 8:30 बज रहे हैं। 8:30 बजे छुट्टी? छुट्टी। हाँ, ये इस तरह होता है काम, और जो आदमी 8 बजे निकलता है उसका काम नहीं होता। उसका काम नहीं होता। तो जैसे ये पेड़ी है तो इसमें मतलब क्या डाला तुमने? पोगे छोड़े पहले तो? पोगे छोड़े थे बड़े बड़े। अच्छा, अगर जड़ से काट ले वो पैदावार नहीं आती फिर? वो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, पोगे से आता है। हाँ, तो खुद छोलते हो अपने हाथ से? अपने हाथ से एक गन्ना छोलते हैं। तो 3 बार भी रख लो पेड़ी, 4 बार या नहीं? नहीं, तीसरी बार। तीसरी बार में वो सत वही निकाल लो? ये तीसरी बार किया। अच्छा, 3 वर्षीय है भाई। ये देखिए, 2-2 बार बांध दी लड़के ने और बहुत सुंदर गन्ना खड़ा है। ये देखिए टॉप खड़ा बिल्कुल। तो सारी 3 वर्षीय हो? हाँ जी, ये 3 वर्षीय है। अच्छा अच्छा, और अभी तो और बंद हो गए इसे? अभी 3-3 की मिलानी है अभी मेल। अच्छा, 3-3 मेल भी लगेगी? हाँ जी, महीने बाद। हाँ, अभी तो आज तो 18 तारीख रखा है शायद। हाँ जी, 18 अगस्त है। 18 को
इसके तीन तीन की मिला देंगे। और ये गिरेगी कब? अक्टूबर में मिल चल, नवंबर ही मान लो। हाँ नवंबर फैक्ट्री चलती गिर जाएगी। हाँ। तो अभी तो ढाई तीन महीने हैं, तो इसमें तो बहुत बढ़ेगा अभी। वीडियो में देखना हमारा गन्ना जब दूसरी बनेगी कि कितना ऊंचा गन्ना जा रहा है। अच्छा अभी तो और भी तकड़ा हो गया। ये तार है ना, इनसे तार से मिल जाती है, ये बिजली के तारों से मिल जा। अच्छा अच्छा भाई, ये इसका बड़ा भाई है। राम राम भाई, तुम्हारा नाम क्या है? वीरेंद्र है जी। अच्छा वीरेंद्र, अजय और वीरेंद्र। हाँ जी। तो दोनों भाई मतलब रल मिल का करते हो काम? हाँ जी। ये रह रही है अभी बंधाई दुकान? हाँ जी, ये दोबारा बंधाई रह रही है, ये भी तिब्बत सी है जी। तो ठेकेदार नहीं बनाते अपने आप बांधते हो? अपना बंध है जी, उन पर सही बांधते नहीं। हाँ वो सिर्फ मान लिया कोई छोटा होगा तो उसे निकाल दो तुम अपने हाथ से, अब वो ठेकेदार तो ऐसे लपेट देगा। हाँ ऊपर वो बंद हैं वे ज़्यादा, और सही बंद ही नहीं करते वे। बढ़िया। अच्छा अब भी कुछ डाल रहे हो नहीं इनमें? ना अभी नहीं डाल रहे जी, अब इसमें हम तो एक महीना बाद डाल लेंगे। वो क्या डालोगे? हाँ जी एक महीने बाद खाद डाल लेंगे। भाई खाद डाल देंगे जी हम तो, मतलब स्प्रे नहीं करते ऊपर? ना ना स्प्रे नहीं करते। अच्छा जैसे टॉपर और पोगा बोइंग कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसके लिए क्या डाला तुमने? हमने तो इसमें पटेरा डाला था जी। अच्छा ये इसकी क्या मात्रा थी बीघे में? 4 किलो बीघे का डला जी वो एक बार में। हाँ जी 4 किलो ज़्यादा हो जाए, 1.5 किलो पड़ता है। हाँ दो किलो बीघे का। 2 किलो? हाँ दो तो चल जाएगा। और पहले कोरोजन करी होगी? पहले पेडी में तो करी नहीं, बोर्ड में करी थी जी। अच्छा इसमें खालिश फटेरा ही है? हाँ जी कोई रोक नहीं है बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल भी नहीं, जैसा बाजे जगह है ना उनको यहीं बैठ गया और वो आ गया तो यहाँ नहीं है बिल्कुल। ना इसमें नहीं जी। अच्छा आपका जो बोर्ड बोया वो कुछ बढ़ाई चौड़ाई? हाँ जी। कितना कर दिया? अब के वो हमने 28 इंच पे करा जी। 28 पे कर, 2 इंच बढ़ा दिया, 2 इंच पहले 26 था। हाँ जी। अगर नुकसान रहा तो फिर वापस ले आओगे? अब नुकसान तो ना रहे जी। गन्ना मोटा हो रहा है इसमें। अच्छा मोटा है, फर्क पड़ा? हाँ जी। भाइयों ये देखिए पड़ोसी का गन्ना है और ये इनका है, तो डोडा फर्क है, डोडा का दुगना ही पड़ेगा। तो ये ठेकेदारों की बंधी हुई है और ये इनकी अपनी है। अच्छा ये है पौधा? ये है। तो ये 2 इंच बढ़ा दिया, 28 इंच पे कर दिया। ये हम वो कहा ना है? हाँ, देखो कितने मोटे मोटे हैं। अच्छा मोटाई बढ़ी है। अगले साल अगर एवरेज ना घटा तो फिर 2 इंच और बढ़ाइयो। हाँ जी 30-32 हमारी देखी वो टंच भी देगी। हाँ कितना मोटा करना? हाँ बढ़िया मोटा। एक ब्यांत बहुत है जो हमारी मजाक कर कहते ना कि ताऊ जी बीजो लिखेगा 50 क्विंटल का, वह 70 पे आ गई है तो शायद और बढ़ेंगे अभी बताने वाले जो सट्टा लगा रहे हैं उसका। इसमें भी देखो कोई रोग नहीं है जी। हाँ स्वस्थ है बिल्कुल। अच्छा इसमें जैसे ये थोड़ा ये बताओ, इसमें जैसे तुमने ये बोई थी तो बोती पर क्या डाला था? इसमें बोती पर हमने तो इसमें डाई डाल ली थी बस खालिश। हाँ जी। और पोटास वगैरह ना और कुछ नहीं डाला, और इसमें उसके बाद कोरोजन करी थी। अच्छा हाँ जी। यूरिया कई बार डाल लिया? यूरिया इसमें 2 बार डाला जी। कुछ मिला के खालिश 2 बार में? कै बीघे नंबर है? 2 बीघे। 2 बीघे में 5 धड़ी 4 धड़ी पहले। हाँ जी। तो कमाल लगा ना 45 किलो का। हाँ जी। और उसमें कुछ मिला कर डाल करो खाली से? ऐसे ही पहली बार तो ऐसे ही डाला था, और दूसरी बार उसमें पटेरा डाला था जी। अच्छा मिला कर डाल दिया फिर मिट्टी चढ़ा दी? मिट्टी चढ़ा दी। तो लागत भी ज़्यादा नहीं है? ना कुछ भी नॉर्मल है। अच्छा कूड़िया खाद अच्छा डालता हूँ? हाँ जी कूड़िया खाद। जैसे पिड्डी 3 साल में कटी तो जब ही डाल करो, या पिड्डी कट तो जड़ में भी डाल दो उसकी? नहीं जी 3 साल में डाल जी। जब मुंडा पाड़ोगे जब डालते हो? हाँ जी। कितना एवरेज इसका डालना, कितना डाल करो? इसमें 1 बीघे में 2 डंफर डाल दे जी। हाँ इतना पड़ना भी चाहिए। हाँ जी। तो जैसे और हमारे गांव में मूली बो रहे हैं अभी एक लड़के ने बताया, सुखवीर सैनिक ने, रमेश ने, कि हम जो है 2.5 महीने में 2 फसल ले लें मूली की और 40,000 रुपये बीघा निकाल रहे हैं। तो तुमने थोड़ा बहुत सब्जियाँ काम नहीं देखा कर गए? ना हमने देखा जी, हम तो यहीं के। अच्छा यहीं के बीच है? हाँ जी। भाई ये गन्ना किसान है और सही बात भी, जो गन्ना बो रहा था वो गन्ना ही बोगा। हाँ जी। सच्चाई ये है, और जो सब्जी बो रहा वो सब्जियाँ काम जानता है। इतनी मेहनत तुम्हारे बस की नहीं करनी। हाँ सब्जी में ज़्यादा मेहनत है, रोज़ तैयार करनी, लगे रहना। अब भाइयो देखो 8:30 बज गए और अपने दोनों भैया अपना कपड़े बदल के अपने घर चल दिए। खेती का काम ऐसी, जब मैं ये बंधा करूँ तो मैं भी सवेरे आऊँ तो 5 बजे हमारे बालक लेट आवे, बल्कि काम हो गया खेती का सवेरे का। अब जाके अपना घर का हिल्ला करो, 2 घंटे आराम करो, पैकअप। तो भाइयों आज की वीडियो ये थी, और ये दोनों भैया मेहनती हैं बहुत, इनके चाचा ताऊ के हैं वो भी मेहनत करते हैं, उनके भी अच्छी पैदावार है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार। ये थारा थारा थारे चाचा था होगा, कितना चक होगा सारा एक जगह दिखे? हाँ जी ऐसा ही है, 20-22 बीघे है जी। 20-22 बीघे हाँ जी। दद्दाले जमीन है ना थारी? हाँ, तो दद्दाला ही है जी। बहुत बढ़िया।